हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं बताऊंगा ड्रीम क्रिकेट गेम के अंदर आपकी जो माई टीम होता है उस टीम को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल्स कैसे कर सकते हो, वही मैं इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को दिखाऊंगा और मुझे फॉलो करते जाएं और आप भी दोस्तों टीम को मैनेज कर पाओगे। तो फिलहाल आ चुका हूं ड्रीम क्रिकेट गेम की होम स्क्रीन के ऊपर। तो इधर देख सकते हो माई टीम, इस माई टीम पे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से माई टीम को मैनेज करना है। तो आपकी भी माई टीम होगा तो इस तरीके से माई टीम के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए टीम मेरा 2 दिख रहा है, तो टीम 1 टीम 2। तो आप कैसे इधर मैनेज कर सकते हो आपकी टीम। तो मेरे पास देखिए 14 प्लेयर्स है, तो मैं प्लेइंग करूँगा 11th प्लेयर को। तो देख सकते हो इधर मैं टॉप ऑर्डर जो मेरा ओपनर है, उसके बाद देखिए टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, उसके बाद लोअर ऑर्डर। तो आप इधर चेंज कैप्टन कर सकते हो, चेंज कैप्टन के ऊपर क्लिक करके जो भी प्लेयर को आप कैप्टन देना चाहते हो उस प्लेयर के ऊपर सिलेक्ट करके इधर कॉन्फर्म के ऊपर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपकी जो कैप्टन है वो चेंज हो जाएगा। पहले मेरा ईशान किशन था, अभी राशिद खान को मैं कैप्टन कर चुका हूँ। तो इस तरीके से किसी प्लेयर को आप इधर कैप्टन कर सकते हो। और दोस्तों टॉप ऑर्डर जो ओपनर्स है और उसके बाद टॉप ऑर्डर के अंदर आप लोअर ऑर्डर कि किसी भी बैट्समैन या किसी भी बॉलर को आप भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। किस तरीके से करना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इधर नेम्स देके भी आप इधर सर्च कर सकते हो। तो देखिए शॉर्ट वाई, तो इधर नेम देके भी आप इधर इस तरीके से सर्च कर सकते हो। किसी भी प्लेयर को आप देख सकते हो, इसकी प्लेयर की बायो देख सकते हो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, उसके बाद बैटिंग इस तरीके से करता है, बॉलिंग इस तरीके से करता है, सब कुछ आप इधर देख पाओगे। किसी भी प्लेयर की डिटेल्स तो देख सकते हो, फील्डिंग भी कैसे करता है, रनिंग स्पीड कितना है, सब कुछ आप इधर देख पाओगे। तो मैं टीम 2 के अंदर जाके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो फिलहाल मैं अभी स्विच करके मैं दिखाऊँगा, प्लेयर को स्विच करके मैं दिखाऊँगा। तो देखिए ये जो ओपनिंग बैट्समैन है इसके ऊपर क्लिक कर चुका हूँ। उसके बाद देखिए स्वीप, स्वीप की एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके इधर मैं नीचे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इधर राशिद खान को मैं क्लिक करके इधर स्वीप प्लेयर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो राशिद खान इस प्लेयर से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इधर राशिद खान को मैं इधर स्वीप करके लेके आ चुका हूँ मेरा 11 खिलवाड़ के अंदर। तो इधर फिर से इधर ईशान किशन को ले रहा हूँ। तो इधर स्ट्राइक रेट क्या कुछ है सब कुछ कंपेयर करके दिखा देगा। तो उसके बाद दोस्तों और कुछ भी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर आप आपकी जो जर्सी है, आपकी जो टीम की जर्सी है उसे आप चेंज कर सकते हो। तो चेंज कैप्टन आप देख चुके हो। तो इधर देखिए चेंज किट्स, तो इस चेंज किट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इधर 6 जर्सी की कलर आ जाएगा और डिजाइन आ जाएगा। तो जो भी जर्सी आपकी पसंद वो सिलेक्ट करके इक्विप पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद वो जो जर्सी है वो आपकी टीम पहन लेगा। तो इसी तरीके से किड्स को भी आप इधर चेंजेस कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप आपकी माई टीम को मैनेज कर सकते हो।